हेलो फ्रेंड्स, आई एम कपिल यादव और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल कोच कपिल यादव पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं भी आपका सेपार्टी बीसी एग्रीकल्चर सिक्स सेमेस्टर का छात्र हूँ सीएसजीएम कैंपस का। आइए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वाटर साइड एंड वेस्ट लैंड मैनेजमेंट के कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। तो ये 15 एमसीक्यूज आपको बताते हैं। दोस्तों पहले पार्ट वाटर साइड मैनेजमेंट के एमसीक्यूज हैं, तो आइए मैं बताता हूँ। सब फर्स्ट क्वेश्चन है, जल निकासी गुणांक क्या है? दोस्तों जल निकासी गुणांक, दोस्तों मैं ज़्यादा ऑप्शनों को ना रिपीट करते हुए वही ऑप्शन लूँगा जो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा। जल निकासी गुणांक क्या है? क्वेश्चन नंबर एक का आंसर सही है ए, या पूरे जल निकासी क्षेत्र के 24 घंटे की अवधि में निकालने के लिए सेंटीमीटर पानी की गहराई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल भराव की स्थिति में किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? जल भराव की स्थिति में किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? तो इसमें आंसर है जेड जिंक। और दोस्तों ये घनमन नहीं है, ये इसमें से एक और ऑप्शन मिल सकता है, एक सी यू अगर कॉपर आपको मिले तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर तीन, जल जमाव की स्थिति में किस प्रकार की जड़ें विकसित होती हैं? जल जमाव की स्थिति में किस प्रकार की जड़ें स्थित होती हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, आकस्मिक जड़ें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चार, किस रसायन का सांद्रण उच्च जल जमाव की स्थिति है? क्वेश्चन नंबर चार का आंसर नंबर है ए, मीथेन। क्वेश्चन नंबर पाँच, आप लवणीय मिट्टी का प्रबंधन कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर पाँच का करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, बाढ़ सिंचाई और जल निकासी फ्लड एरियन और ड्रेनेज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर छः, गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए पीने के पानी में नाइट्रेट का स्तर क्या होना चाहिए? दोस्तों स्वास्थ्य समस्याओं को बचने के लिए जो पानी पीने के जो स्तर है या TSS और वो जो पानी का स्तर है वो क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर छः का आंसर है बी, 10 ml लीटर प्रति से कम। क्वेश्चन नंबर सात, सिंचाई के बारे में आपका क्या विचार है? तो इसमें सिंचाई के बारे में इसमें एक आंसर नीचे दिए गए हैं, इसमें से दो आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर सिंचाई के बारे में क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर सात का आंसर है क्वेश्चन नंबर डी, दो और चार ऑप्शन सत्य हैं। तो इसमें से दो नंबर क्या है, सिंचाई का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। और चौथा क्या है, खरपतवार नियंत्रण में सिंचाई की भूमिका होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आठ, घुसपैठ की क्षमता के बारे में क्या सही है? क्वेश्चन नंबर आठ क्या है, घुसपैठ की क्षमता के बारे में? घुसपैठ दोस्तों अब हिंदी में पढ़ोगे तो ये होगा घुसपैठ इनफिल्ट्रेशन होता है दोस्तों। तो इनफिल्ट्रेशन के बारे में क्या सही है बताएँ? क्वेश्चन नंबर आठ का क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन होगा इसमें से, इनफिल्ट्रेशन की क्षमता इनफिल्ट्रेशन की अधिकतम दर है। दोस्तों हिंदी में यही होता है, कुछ शब्द नहीं जान पाओगे, अगर इंग्लिश पढ़ो तो ज़्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर नौ, परकोलेशन क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर नौ का आंसर नंबर सी, बी ए और बी दोनों, मिट्टी के माध्यम से पानी का निस्पंदन या चट्टानों के माध्यम से पानी का निस्पंदन। क्वेश्चन नंबर टेन क्या है, रिसाव क्या है, सीफेस क्या है? तो क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर है क्वेश्चन नंबर ए, जब जल चैनल में पानी का क्षैतिज प्रवाह होता है तो इसे रिसाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, अपवाह कब होता है? क्वेश्चन नंबर ग्यारह में आपको पढ़ना है अपवाह कब होता है। तो क्वेश्चन नंबर ग्यारह का आंसर नंबर सही है बी, मिट्टी की संतृप्ति के बाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, निक्षालन में क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का आंसर नंबर है डी, निक्षालन में क्या होता है? अब देखो आप लोगों को बताता हूँ, ये निक्षालन होता है लीचिंग क्या है, न्यूट्रिएंट्स का जब तत्वों का या पोषक तत्वों का नीचे की ओर गति कर जाना, मृदा में न्यूट्रिएंट्स नीचे की ओर गति जाते हैं तो उसे निक्षालन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आकस्मिक सिंचाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है डी, आकस्मिक सिंचाई फसलों के जीवन को सही समय पर बचाने के लिए एक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, सबसे कुशल सिंचाई प्रणाली सभी को पता है, सबसे कुशल सिंचाई प्रणाली कौन सी है, टपक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, वाटर शेड विकास कार्यक्रम का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, फसलों और पशुओं को सूखे प्रतिकूल प्रभावों से कम करने के लिए, बी पारिस्थितिक संतुलन या बहाली प्रोत्साहित करना, ग्राम्य समुदाय आर्थिक बढ़ावा देना, या ऑल ऑफ एबव। तो क्वेश्चन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ एबव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड दोस्तों आपका सहपाठी मैं कपिल, कोच कपिल यादव, अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब